दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर चल रहा है और आज आखिरी दिन है, तो 31 अगस्त 2024 को पहले शिफ्ट का जो पेपर था उसके हिंदी विषय को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों एक बार अपने आंसर की को मिला सकते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे गए, आपने जवाब क्या दिया। ठीक है, पहला ही सवाल दिया था, यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा आपको यहाँ जो है विजिबिलिटी कम नजर आए। ठीक है, उसका कारण है दोस्तों कि पेपर जो है वो ठीक ढंग से स्कैन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आप सवाल सुनते चलिए, दिख रहा होगा काम भर का, उतने में आप काम चलाए। ठीक है, तो पहला सवाल था कि बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे ने गलतियां किया है, तो देखिए बालक पूछता ना, तो बालक का स्त्रीलिंग क्या हो जाता दोस्तों, बालिका होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे देखिए बाली तो होगा नहीं दोस्तों, ये तो कोई शब्द होता नहीं, बालिका भी नहीं होगा। ठीक है, जो बाल शब्द दिया है, बाल का स्त्रीलिंग हो जाता दोस्तों बाला, क्या हो जाता दोस्तों, बाल का क्या हो जाता, बाला हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों, ये बालिका भी नहीं, बालिका भी नहीं होगा दोस्तों, बाला जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। करा पर्णकुटी में दोस्तों कौन सा समास है, तो पर्णकुटी में दोस्तों क्या बहुव्रीही समास याद रखेगा, बहुव्रीही में हमेशा क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों, तीसरा पद प्रधान होता है, या आप कह सकते हैं कि हाँ पर्यायवाची का बोध होता है दोस्तों। और जो पर्णकुटी है दोस्तों, इसका मतलब है पत्ते की कुटी, वो कुछ और इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कुटिया को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक जो है दोस्तों सही हो जाएगा। द्वंद बिल्कुल नहीं होगा, दोनों पद प्रधानता होता है, द्विगु भी नहीं होगा दोस्तों इसमें, हालांकि उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है, इसलिए यह भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई संख्यावाची की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा करुणालय, करुणालय के रचयिताकार दोस्तों कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इसके रचयिताकार हैं जयशंकर प्रसाद। जिंदगी बीत गई वही दोस्तों कंकाल वगैरह पढ़ते हुए, ठीक है, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया कि करुणालय की रचना किसने किया, तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद जी ने किया, यहाँ भी बच्चों ने गलती किया है। करा किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो लता अभी के लिए एक वचन दोस्तों, लता का बहुवचन क्या हो जाता है, लताएं। दर्शन दोस्तों क्या है, दर्शन सदैव बहुवचन, मैंने कई ऐसे शब्द पढ़ाए हैं जो हमेशा सदैव बहुवचन में यूज किए जाते हैं, जैसे जैसे दोस्तों अभी के लिए तो दर्शन दिया है, हो सकता है कल को आपके सामने हस्ताक्षर शब्द दे दे, हस्ताक्षर दे दे, परसों दोस्तों आपके सामने समाचार शब्द दे दे, समाचार दे दे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने अक्षत शब्द दे दे, उसके बाद आपके सामने बाल शब्द दे दे, उसके बाद आपके सामने प्राण शब्द दे दे, ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं ये क्या दोस्तों, सदैव बहुवचन है। ठीक है, यहां बहन दोस्तों गलत हो जाएगा, गाय का गांव में हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। जीव का पर्यायवाची जीव नहीं होता दोस्तों, जीव को क्या कहा जाता है, देखिए जीव का पर्यायवाची आपसे पूछा था। ठीक है, तो जीव को क्या कहते हैं, अगर देखा जाए बहुत ध्यान से, तो जीव को जिह्वा कहते हैं, जीव को दोस्तों रसना भी कहते हैं, जीव को दोस्तों रसज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, रसना रसज्ञा ये सब कहते हैं दोस्तों, यहाँ ध्वनि मत कीजिएगा, वचन मत कीजिएगा। ठीक है, ये सब गलत ऑप्शन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। और आगे देखिए करा जिसका कोई आकार ना हो साकार नहीं है, अगर आकार है तब उसे साकार कहा जाएगा, आकार नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, निराकार कहेंगे, अगर गोल आकार है तो गोलाकार कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से कव्वाली शब्द में लिंग बताना था आपसे, मैं पूछूं दोस्तों कि बताइए ये जो कव्वाली है, कव्वाली अच्छी होती कि अच्छा होता, आप बताइए, कव्वाली जो है अगर कहीं कव्वाली चल रही है, ठीक है, तो कव्वाली अच्छी कव्वाली होती कि अच्छा कव्वाली होता है, तो अच्छी होती दोस्तों, अच्छा नहीं होता, अच्छी होती इसलिए दोस्तों आप स्त्रीलिंग कर लीजिए, आई बात समझ में, यही तो है। आगे कह रहा महादेवी वर्मा को किस रचना पर दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो महादेवी वर्मा की रचना थी यामा, इसके ऊपर दोस्तों उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हालांकि निहार भी महादेवी वर्मा की रचना है, रश्मि भी और नीरजा भी दोस्तों उन्हीं की रचना है, रचना है सब उन्हीं की, लेकिन यामा पर दोस्तों उन्हें पुरस्कार दिया गया, यही आपको याद रखना है। कह रहा चमकुटी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहां श्रृंगार रस नहीं दोस्तों, श्रृंगार रस में रति का भाव होता है, यहां पर है दोस्तों वीर रस, क्योंकि यहां उत्साह का भाव पैदा हो रहा है। ठीक है, यह आप याद रखेंगे, हास्य रस में दोस्तों हास का भाव पैदा होता है, भक्ति रस में दोस्तों भगवत वत्सल का भाव पैदा होता है। ठीक है, भगवत वत्सल का भाव पैदा होता है, जबकि यह जवाब नहीं है, तो याद रखेगा बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर अंबुज और अंबुद में क्या अंतर है दोस्तों, मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में भी कि अंबु का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, जल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी अंबु में दोस्तों ज शब्द जोड़ दे, तो ये इसका किसका पर्यायवाची बन जाएगा, ये कमल का पर्यायवाची बन जाएगा, किसका, कमल का पर्यायवाची। लेकिन इसी अंबु में अगर द शब्द जोड़ दे द, तो याद रखेंगे बादल का पर्यायवाची बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बादल। और इसी अंबु में अगर धी शब्द जोड़ दे, क्या शब्द जोड़ दे, धी, तब यह समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, तो आप याद रखेंगे, अंबु ज और द लिखा था, तो ज मतलब क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा, और द मतलब बादल,
कमल बादल कीजिएगा, जल कमल नहीं दोस्तों, कमल बादल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। करा हुआ खा रहा था, मैं खा रहा था, ये क्या है दोस्तों, सामान्य भूत तो है नहीं क्योंकि अभी खा ही रहा था, खाने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए दोस्तों अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, संदिग्ध नहीं होगा, पूर्ण भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा तट में दोस्तों ये द्वंद समास तो है नहीं, यहाँ पर तत्पुरुष समास का भेद है, अव्यय भाव भी नहीं है, द्विगु भी नहीं है, अव्यय भाव में अव्यय होता है, यहाँ कोई अव्यय है नहीं, ठीक है। करा जाति का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, तो जाति का जातियों नहीं होता है, और कभी भी किसी चीज का बहुवचन जब बनाएंगे दोस्तों हमेशा याद रखेगा बहुवचन बनाते समय हमेशा जो मात्रा होती अंतिम में जो मात्रा होती है वो ह्रस्व यानी छोटी मात्रा लगाया जाता है, बड़ी मात्रा नहीं। तो यहाँ दोस्तों जातियां में बड़ी मात्रा लगा के गड़बड़ कर दिया, ये जातियां, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। शाश्वत का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, ठीक है, जो सदैव विद्यमान रहे, ठीक है, सदैव विद्यमान, उसे क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। जैसे सूर्य क्या है दोस्तों, ये सदैव विद्यमान है, हम आप चले जाएंगे सूरज नहीं जाएगा, ठीक है, तो शाश्वत यही सत्य है, ठीक है। तो शाश्वत का क्या हो जाता है दोस्तों, शाश्वत कहा जाता है नश्वर, क्या हो जाता है, नश्वर, यानी जो नाश हो जाए जिसका, ठीक है। तो याद रखेंगे जो क्षणिक होता है, कम समय के लिए होता है, ये इसका विलोम बन जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा और इंदिरा लिखा था दोस्तों, तो इंदिरा किसे कहते हैं, इंदिरा दोस्तों लक्ष्मी को कहा जाता है, इंदिरा किसकी पर्यायवाची है, लक्ष्मी को कहा जाता है, लक्ष्मी को श्री भी कहा जाता है, लक्ष्मी को कमला भी कहा जाता है, लक्ष्मी को कई बार पद्मा भी कहा जाता है, ठीक है, ये सब दोस्तों लक्ष्मी को कहते हैं। और बाकी दोस्तों जो इंदिरा शब्द दे रहा था, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा दोस्तों इंद्र की पत्नी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, इंद्र, इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी को दोस्तों इंदिरा बुलाया जाता है। वैसे इंद्र की पत्नी का नाम था शची, क्या नाम था दोस्तों, शची, तो इसे आप याद रखेंगे। और इंद्र की पत्नी को दोस्तों इंद्राणी भी बुलाया जाता है, इंद्राणी भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, यहां पर लक्ष्मी और इंद्राणी कर सकते हैं, चंद्रमा चूहा नहीं, आईना संकट नहीं, भोजन भेंट नहीं, ऑप्शन नंबर एक जो है ये सही जवाब है। करा बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, नोट कर लेते हैं ना, कितने उच्चारण स्थान, तो पहला होता है दोस्तों कंठ ध्वनि, दूसरा होता दोस्तों ताल ध्वनि, तीसरा होता दोस्तों मूर्धा ध्वनि, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य ध्वनि, चौथा होता दोस्तों दंत ध्वनि, और पांचवा जो होता दोस्तों ओष्ठ ध्वनि। ये पांच दोस्तों मुख्य होते हैं, बाकी जो होते हैं दोस्तों वो इनके मिलने से बनते हैं, जैसे कंठ और तालु मिलकर दोस्तों कंठ तालव्य बन जाते हैं, कंठ और ओष्ठ मिलकर कंठोष्ठ बन जाते हैं, दंत और ओष्ठ मिलकर दंतोष्ठ बन जाते हैं, बाकी तो मिश्रित है ना, मूल रूप से पांच ही है, इसलिए आप पांच जवाब दीजिए, छह मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध बताइए, उनके एक पुत्र है, नहीं दोस्तों उनको एक पुत्र नहीं, उनका एक पुत्र दोस्तों, ये सही हो जाएगा। तो बहुत आसान, आज का पेपर तो इतना ज्यादा आसान है कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, ठीक है, चाहे कहिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, या आप कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ही अलंकार कहते हैं, क्या कहते हैं, अलंकार। और यदि दोस्तों शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ रही तो शब्द अलंकार, यदि अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ रही तो अर्थालंकार, यही होता ना। लेकिन यहां पर दोस्तों पूछा कि धर्म का मतलब क्या है, तो धर्म का मतलब दोस्तों कर्तव्य नहीं है, धर्म का मतलब चाहे धर्म कहिए, चाहे तत्व कहिए, चाहे गुण कहिए, ठीक है, सत्कर्म मजहब नहीं दोस्तों, यहां गुण से लेना देना है, तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। करा मतैक में दोस्तों कौन सी संधि है, तो मतैक में हो जाता मत धन ऐक्य, क्या हो जाता है दोस्तों, मत धन ऐक्य के बराबर क्या हो जाता है, मतैक्य हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको समझाया था कहीं भी दोस्तों अगर ऊपर डबल मात्रा दिखे तो आंख मूंद कर बताइएगा यहां पर कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। यण तो होगा नहीं, इसमें अर्धवर्ण होता है य व के साथ, गुड़ में दोस्तों ए ओ अर होता है, क्या होता है, ए ओ अर, जब लिखा हो दोस्तों कहीं पर आया तब जो है गुड़ होगा, दीर्घ भी नहीं होगा, दीर्घ में दोस्तों केवल बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा और बड़ा री आएगा, ठीक है, चार आएगा तभी दीर्घ होगा, नहीं तो नहीं होगा, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया पहले, ठीक है। आज हम लोग पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं। ये लिखा है दोस्तों अल्प विराम क्या है, तो जो पहला वाला चिन्ह दे रहा है ये तो दोस्तों विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक ये जवाब होगा नहीं, यहाँ दोस्तों कामा बना हुआ यही जवाब हो जाएगा, ये दोस्तों पूर्ण विराम का चिन्ह है ये भी जवाब नहीं होगा, और यहाँ दोस्तों सेमी कॉलम इस तरह से बना हुआ है इसको अर्ध विराम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अल्प विराम अर्ध विराम में अंतर होता है, और जब इस तरह से दो ऐसे पॉइंट दिखे मिल जाए तो इनको दोस्तों उप विराम कहा जाता है, क्या कहते हैं,
उप विराम कहा जाता, तो ये भी याद रखेगा। अभी अल्प विराम पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा वाला जो दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है ये बताना, तो किसे दोस्तों ये प्रश्नवाचक शब्द है, यह प्रश्नवाचक शब्द है, यह अव्यय नहीं है। बाकी आज कल परसों इधर उधर यहाँ वहाँ ये सब दोस्तों अव्यय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन करना है। मधुक दोस्तों क्या दिया, ये जो मधुक शब्द है दोस्तों यही क्या दोस्तों, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और मधुक कहते किसे दोस्तों, तो मधु कहते हैं महुआ को। किसे कहते हैं? महुआ को। महुआ जो है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, यही सही हो जाएगा। बाकी खप्पर की बात करते हैं, यहां पर जो खप्पर लिख रहा था दोस्तों, खप्पर ये पहले से तद्भव शब्द है। खप्पर क्या? तद्भव है। और खप्पर का क्या हो जाता है? खरपर हो जाता है। ठीक है, खरपर हो जाता है। खरपर जो शब्द है दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द हो जाता। तो आपसे तत्सम पूछा था पहले से, तो मधुक दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया दोस्तों, मैंने आपको कितने बार पढ़ाया याद रखें, दौड़ना कहीं पर आ जाए यह अकर्मक है, टहलना कहीं पर आ जाए, टहलना यह अकर्मक है, कहीं पे सोना आ जाए यह अकर्मक है, कहीं पर रोना आ जाए यह अकर्मक है, कहीं हंसना आ जाए यह अकर्मक है, कहीं उड़ना आ जाए यह अकर्मक है, ये सब दोस्तों अकर्मक में आते। कितने बार पढ़ाया? यहाँ लिख रहा है रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम पुस्तक से हो रहा है, तो सकर्मक हो जाएगा। अम्मा खाना बना रही है, तो खाना बनाना भी दोस्तों सकर्मक है। ठीक है, बालक बहुत देर से रो रहा है दोस्तों, यही हो जाएगा। और मजदूर चाय पी रहा है, तो यहाँ भी दिया, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने सी किया है। ठीक है, लेकिन फिर आप गड़बड़ा गए दोस्तों, जब सीधा सीधा रोने की बात हो रही है, तो रोना धोना क्या होता है दोस्तों, ये आपका अकर्मक होता है, ध्यान दीजिएगा। महिला जब भाषण दे रही थी, तब उसकी आवाज में एक आकर्षण था, या आकर्षण का विलोम दोस्तों, आकर्षण का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, तो आकर्षण का विलोम शब्द दोस्तों विकर्षण होता है। देखिए पूछा है आकर्षण का विलोम नहीं है। ठीक है, आकर्षण का विलोम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसका विलोम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, अगर आप आकर्षण का विलोम देखेंगे, तो इसके कौन कौन से विलोम है, जो इसका विलोम है पहले वो लिख देता हूँ। विकर्षण दोस्तों इसका विलोम होता है, सही है। ठीक है, और आकर्षण का दोस्तों अपकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, अपकर्षण भी विलोम हो सकता है। ठीक है, और आकर्षण का दोस्तों अनाकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, अनाकर्षण, तो बहुत जल्दीबाजी में दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। यहाँ विपकर्षण जैसा कोई शब्द नहीं होता है, विपकर्षण जैसा कोई शब्द नहीं होता है। आपसे पूछा था कौन सा नहीं है, कहाँ गड़बड़ कर दिए भाई, इसको ध्यान देना। यहाँ पर कविश्वर का, कविश्वर का दोस्तों संधि विच्छेद क्या है, तो कविश्वर का संधि विच्छेद हो जाता है, पहले लिखेगा कवि और फिर लिखेगा दोस्तों ईश्वर, कवि धन ईश्वर वर्ण कविश्वर। यहाँ पर दोस्तों कवि में से मिल गया छोटा ई, ईश्वर में से बड़ा ई, छोटा ई बड़ा मिलकर बड़ी ई बन जाते हैं, इसीलिए दोस्तों कविश्वर में जो मात्रा दे रहा है बड़ी ई की दे रहा है, यहाँ कवि धन ईश्वर हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि दोस्तों, तो याद रखेगा यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, यहाँ मात्रा गलत दिया दोस्तों, अस्वर तो होगा नहीं, स्वर नहीं होगा, और यहाँ बड़ी ई के देकर इसलिए गड़बड़ कर दिया। ठीक है, करा किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में, बताइए, करा कल वे आने वाले थे, ये तो भूत में चला गया। ठीक है, अचानक बिजली कौं धुटी, ठीक है, ये भी नहीं होगा दोस्तों, वर्तमान में लिख रहा है ना, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा दोस्तों दिया वर्तमान लायक, तो आप यही कर लीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, करा जूते चाटने का सही अर्थ क्या दोस्तों, इधर उधर घूमना नहीं, घूस देना, रिश्वत देने को कहा जाता है, जूता चमकाना नहीं दोस्तों, किसी की खुशामद करना। ठीक है, जैसे कई लोग नेताओं के तलवे चाटते हैं, जूते चाटते हैं, उन्हें खुशामद करने में अपना जीवन बिता देते हैं, मिलता जुलता कुछ नहीं है। ठीक है, तरंग और तुरंग जो शब्द है इसका अर्थ बताना है दोस्तों, तो तरंग जो शब्द है दोस्तों, तरंग माने होता है लहर, तरंग का मतलब क्या होता है, लहर, लहर को दोस्तों लहर कहते हैं, उर्मी कहते हैं, वीची कहते हैं, तरंग कहते हैं, ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ एक तरंग का मतलब लहर हो जाएगा। और जो दूसरा शब्द दिया दोस्तों तुरंग, तुरंग, तुरंग किसे कहते हैं दोस्तों, तुरंग घोड़ा को कहते हैं, अश्व को कहते हैं, घोटक को कहते हैं, घोटक को कहते हैं, बाजी को कहते हैं, है को कहते हैं, ये सब दोस्तों घोड़े का क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, तुरंग, तरंग और तुरंग। ठीक है, बाकी दुबला और घोड़ा नहीं, घोड़ा लहर नहीं दोस्तों, तरंग तुरंग लिखा है ना, ठीक है, लहर और दुबला भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। करा आप डूबे तो जग डूबा, ये भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, लोगों को लगा सबको अपने समान समझना, नहीं, आपकी हानि, ज्यादातर बच्चों ने यहाँ सी उत्तर दिया कि अपनी हानि होने पर दूसरों को हानि पहुंचाना, इसका मतलब होता है कि हम तो, अच्छा ये जो आप सोच रहे, इसका मतलब होता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है, वो होता है आप डूबे तो जग डूबा, इसका मतलब होता दोस्तों बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, गलत आदमी सबको गलत कहता है। डी ही परफेक्ट आंसर है,
आज नहीं झगड़ा करो हमसे, जब आंसर की आ जाएगी आयोग की मिला लेना, ठीक है? यही आपका सही उत्तर निकलेगा, हमारे आपके लिए कुछ बदल नहीं जाएगा, जो सही है वो सही है आपके लिए भी हमारे लिए भी, ठीक है? करा मानव शब्द का विशेषण क्या दोस्तों? मानव शब्द का विशेषण क्या है? तो मानवीय विशेषण, ठीक है? अच्छा, मानव मानव शब्द का विशेषण क्या कर दिया हमने? मानवीय कर दिया, ठीक है? मानवीय, ठीक है? ये दोस्तों क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, ये आपका विशेषण हो गया, और ये दोस्तों क्या है? मानव, चाहे आप इसे संज्ञा कह लीजिए चाहे आप इसे विशेष से कह लीजिए, दोनों कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज और दिमाग में आता है कि मानव से दोस्तों एक शब्द बनता है मानवता, एक शब्द बनता है मानवीकरण, क्या बनता है? मानवीकरण, या फिर एक शब्द बनता है मनुष्य, ठीक है? ये जो शब्द है दोस्तों ये सब संज्ञा है, क्या है दोस्तों? ये संज्ञा है, विशेषण नहीं है, ये अपने दिमाग में बिठाइएगा, ठीक है? आज मौका है, बता दे रहा हूँ, बाद में ना कहिएगा कि नितिन सर ने समझाया नहीं। पिता एक कहानी है दोस्तों, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो ज्ञान रंजन जी की रचना है दोस्तों, पिता उषा प्रियंवदा उदय प्रकाश शेखर जोशी, से गलत जवाब है, ज्ञान रंजन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से काटना का तत्सम क्या दोस्तों? तो काटना को कटित नहीं कहते हैं, कटित नहीं कहते हैं, काटना को कर्तन कहते हैं, ठीक है? कटन भी नहीं, क्या कहते हैं दोस्तों? कर्तन, मतलब क्या होता है? काटना। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया था, ठीक है, और उस पैराग्राफ का आपको जवाब देना था, तो आइए सीधे सीधे जवाब पर आते हैं। कह रहा ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्तियां इतनी प्रबल क्यों बना ली है? तो दोस्तों कह रहा लंदन शहर को कोई क्षति न पहुंचा सके। देखिए यहां लिखा है, यहां पर कह रहा ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली कि उसे दुनिया में कोई भी राजशक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। ये दोस्तों इसकी बात बताया जा रहा है, ठीक है? तो कह रहा है कि लंदन शहर को कोई क्षति न पहुंचा सके, कह रहा उसके जहाजों का आना जाना कोई न रोक सके, ये तो ऐसी बात नहीं है, कोई लंदन पर आक्रमण न कर सके, ठीक है, और कोई शत्रु इसे हरा ना सके, ठीक है? तो देखिए बाकी बाकी के तीन के अर्थ दोस्तों आपको एक जैसे नजर आ रहे होंगे, क्योंकि लिखा है कि लंदन शहर को कोई क्षति न पहुंचा सके, इसका यही मतलब है कि लंदन पर कोई आक्रमण न कर सके, कोई शत्रु इसे हरा न सके। देखिए कोई शत्रु इसे हरा न सके, ये कैसे कोई डिसाइड कर देगा? ये तो युद्ध डिसाइड करेगा ना कि शत्रु कितना बलशाली है, ठीक है? तो ये डी वाला तो गलत हो गया, इस तरह से काटना पड़ेगा, क्योंकि आप दो जवाब तो सही कर नहीं सकते, किसी एक का ही चुनाव करना, इस तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब आती बात कि लंदन शहर को कोई क्षति न पहुंचा सके या लंदन पर कोई आक्रमण न कर सके, कोशिश किया करिए दोस्तों कि जो शब्द इसमें मिले, देखिए यहां पर लिखा है कि कोई राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में उसे टक्कर न ले सके, इसलिए दोस्तों, ठीक है? तो समुद्री युद्ध की बात हो रही तो आप भी आक्रमण की बात कीजिए, ठीक है? आप जो लिखा हो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो अक्षर शब्द मिल रहे हो पैराग्राफ से मिलने चाहिए, ये नियम होता है इसको सही करने का, ठीक है? अपना दिमाग नहीं खर्च करना है। करा मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? पहले बताइए मुझे मस्तूल किसे कहते हैं? अगर आपको यह नहीं पता होगा मस्तूल तो कैसे समझेंगे? मस्तूल का मतलब होता है दोस्तों जो जहाज या नाव पर जो डंडा लगा होता है, डंडा लगा होता है जिस पर कपड़े बांधे जाते हैं, ठीक है? जिस पर कपड़े बांधे जाते हैं, कपड़े बांधे जाते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है? अरे बड़ी बड़ी नाव पे नहीं देखे हैं कि बीच में डंडा लगा होता है और नाव को दिशा देने के लिए कपड़े बांधे होते हैं, उन्हीं को दोस्तों मस्तूल कहते हैं। करम मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? मस्तूलों की बहार नहीं दोस्तों, मस्तूलों का आकर्षक दृश्य नहीं दोस्तों, असंख्य मस्तूल वहां पर है, ये इसका कहने का मतलब है। अब क्या है जरा आइए मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? यहां लिखा है कि लंदन के आसपास दोस्तों बहुत बड़ा बंदरगाह है जहां रोज सैकड़ों हजारों क्या है दोस्तों जहाज आते जाते हैं, दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता है वहां मस्तूलों का जंगल है, लिखा है ना मस्तूलों का जंगल मालूम होता है, ठीक है? तो इतना सारा जहाज है कि लगता है कि वहां जंगल है, ठीक है? ऐसा फील होता है, ठीक है? तो वैसे तो जंगल में पेड़ होते हैं लेकिन मस्तूलों का जंगल है, ठीक है? अगला सवाल करा त्राही त्राही मच जाने से दोस्तों क्या इसका अर्थ निकल कर आता है? तो त्राही त्राही मतलब शोर शराबा नहीं होता, त्राही त्राही मच होता है हाहाकार मच जाना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। टक्कर लेने का अर्थ टकराना नहीं, तुलना करना नहीं, लोहा मानना नहीं, मुकाबला करना होता है, किसी से टक्कर लेना या फिर मुकाबला करना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? और आगे आइए, करा लंदन बंदरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है? पहले लाइन लिखा है कि लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है? तो जहाजों के जंगल में नहीं, काफी गहरे पानी पर नहीं, नदी के तट पर बसा हुआ दोस्तों, समुद्र के तट के निकट है, तट पर नहीं, तट के निकट है, याद रखेगा पर नहीं, और किस नदी के किनारे दोस्तों है? तो याद रखेगा लंदन बंदरगाह जो दोस्तों ये टेम्स नदी के किनारे, कौन सी नदी वहां पर है? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त हुआ, ठीक है? डेली दोस्तों जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए दोनों दोनों शिफ्ट के, आपको दो दो वीडियोज दिया गया, एक हिंदी का एक जीएस का, आप चाहें तो यहां से मिलान कर सकते हैं,
बहुत कम समय में बखूबी अच्छे से आपको पढ़ाया गया है ताकि आप अच्छे से मिलान कर पाएं। यहाँ वेबसाइट पर विजिट करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उम्मीद करता हूँ पेपर आपका अच्छा गया होगा और आगे भी आप अपनी तैयारी जारी रखें, यही निवेदन है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।